हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार में। और आज हम आपके लिए लेकर आए भारत के प्रमुख दर्शन, प्रमुख भारतीय दर्शन। दर्शन आपने सुने होंगे, ग्रंथ टाइप के होते हैं ये, और पूछा जाता है इससे संबंधित कौन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वैसे तो ये इसकी ट्रिक है, पर ये मुझे ट्रिक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने इनको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, तभी आपकी ये समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, पहले हम शुरू करते हैं इसमें। पहला दर्शन दिया गया है संख्या दर्शन। देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे समझे। देखो संख्या, कोई भी संख्या, संख्या तो आप समझते ही हैं, संख्या क्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब संख्या ही होती हैं। ठीक है, तो संख्या दर्शन से संबंधित कौन है, कपिल मुनि। कपिल मुनि, अब देखिए कपिल में आप निकाल लीजिए इसका पिल, क्या निकाल लीजिए, कपिल का पिल, और पिल को बदल दीजिए आप पिन। पिल को हम समझ लीजिए पिन, तो पिन, पिल या सुई जो होती है, पिन आपने देखी होंगी, पिन जो होती है वो नंबर से आती हैं कि भैया 1 नंबर की पिन दे दो, 2 नंबर की पिन दे दो, 3 नंबर की पिन दे दो। आप कभी लेने गए हो तो नंबर से पिन हमें मिलती हैं, तो उसी से हमें याद हो जाएगा कि संख्या दर्शन के लेखक या संबंधित कौन हैं, तो वो हैं पिन यानी कपिल, कपिल मुनि। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे ऐसा ही। देखिए अगला है न्याय, न्याय दर्शन के कौन है लेखक या संबंधित न्याय दर्शन से कौन है। देखिए न्याय का अपोजिट होता है दोस्तों अन्याय, अन्याय, और अन्याय का मतलब होता है दोस्तों पाप। और जब हम पाप करते हैं तो कहाँ गोता मारने जाते हैं, गोता मारने जाते हैं हम गंगा में। क्या करते हैं गंगा में, गोता मारते हैं। क्या मारते हैं दोस्तों, न्याय। देखो न्याय यानी अन्याय कर दिया हमने, तो कहाँ क्या करेंगे गंगा में जाके, गोता मारेंगे, और गोता से हमारा बन जाएगा गौतम मुनि। क्या बन जाएगा, गौतम मुनि। चले दोस्तों अगला देखेंगे, मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के लेखक या संबंधित कौन है, तो मीमांसा, मीमांसा को आप समझिए, मीमांसा का मतलब हमारी इच्छाएं, हम क्या चाह रहे हैं, वो चाहत हमारी मीमांसा हुई। ठीक है, तो आप सब जानते हैं इस ज़माने में इसका है, वैसे तो जैमानी है, जैमिनी, और इस जैमिनी में आप देखिए मनी, पीछे के शब्द उठाइए मनी, तो देखिए सभी को क्या इच्छा है आजकल, सभी क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ की मीमांसा है सभी को, तो मनी की मीमांसा है, तो मनी से हमारा बन जाएगा जैमिनी। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है योग दर्शन। क्या है अगला दोस्तों, योग दर्शन। तो योग दर्शन में क्या है, योग दर्शन आप जानते होंगे योगा के बारे में, बहुत ही फेमस बाबा हैं एक, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे बाबा रामदेव, और उनकी एक कंपनी भी चली है अभी पतंजलि। तो योग दर्शन के हैं पंतजलि, कौन है, पंतजलि, पंतजलि योग दर्शन से संबंधित हैं। अब दोस्तों ये जो नीचे के जो दो हैं ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, पूछे नहीं जाते, फिर भी हम इनको एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। उत्तर मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन के हैं वाद रायण, वाद रायण। तो इसको ऐसे याद कर लिए, तो मीमांसा किसकी उतर जाएगी, मीमांसा देखो जब रावण को मारा गया था तब उसकी मीमांसा उतरी थी, उसकी जो इच्छा थी वो तब उतरी थी, तो रावण यानी रायण। ठीक है, तो मीमांसा उतरेगी कब, यानी उत्तर मीमांसा दर्शन के कौन है, वाद रायण। ठीक, अगला देखेंगे वैशेषिक दर्शन, कौन सा, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद, कणाद मुनि। तो इसकी कोई मेरे पास ऐसी खास ट्रिक नहीं है दोस्तों, ना ही ये पूछे जाते, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। देखिए वैशेषिक में लास्ट में क्या आ रहा है, के, और यहाँ पर भी शुरू में आ रहा है के, तो वैशेषिक का जो लेखक है वो उसी में छिपा हुआ है, वैशेषिक दर्शन का कणाद, कणाद मुनि। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम ये चार तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछे भी गए हैं आपके, बाकी ये दो जो नीचे के हैं ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने 6 के 6 दर्शनों को याद कर लिया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।